वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान। यहाँ पर एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं असदुद्दीन बात कर रहा हूँ कराची से। जी क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि मैं एक मल्टीनेशनल बैंक में एम्प्लॉय था सिंस 2004। ऑलराइट। एंड आफ्टर दैट लास्ट टू ईयर से मुझे इन्होंने मतलब काफ़ी परेशान किया है, और उसके बाद इन्होंने मुझे लास्ट 5 मंथ से इन्होंने मेंटली टॉर्चर किया है, हरासमेंट किया है, और उस पर इन्होंने ये कहा है कि आप रिज़ाइन कर रहे हैं, अदरवाइज हम टर्मिनेट कर देंगे। आई मतलब टेक्निकल पर्सन, अब मैं नहीं चाहूँगा कि जो मेरा करियर है वो ख़राब हो, क्योंकि डेफिनेटली मैं मूव होऊंगा कोई और बैंक में। ठीक है, बट अगर विदाउट विद टर्मिनेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मतलब मैं और आगे सर्वाइव करूँ। तो आपको क्या पॉसिबल कॉज क्या बताते हैं? अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मैंने रिज़ाइन किया है विच इज़ फोर्सली रिज़ाइन, और इस पे जो बैंक का है ओबीस लॉ भी है, बट वो उन्होंने फॉलो नहीं किया। अब क्या मुझे कोर्ट सपोर्ट करेगा इधर के मैं इसको रिज़ाइन कर सकूँ? जी बहुत बहुत शुक्रिया सदुद्दीन साहब, कराची से हमारे साथ मौजूद थे। जी इससे पहले उमर साहब भी रावलपिंडी से हमें कॉल कर रहे थे। इनका सवाल ये था कि प्रॉपर्टी उन्होंने निकाहनामे जो मैं अपनी जो है वो खातून जो इनकी मिसेज उनका नाम की हुई थी। एक और कॉलर इस वक्त प्रोग्राम में जो है शामिल करेंगे, उसके बाद उमर आपके सवाल की तरफ चलेंगे, आपसे माजरा चाहूँगा। जी देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है, और लगता है उमर साहब जो है लकी हैं कि आपके सवाल की तरफ हमें इसी वक्त चलना पड़ेगा, कॉलर प्रोग्राम में नहीं ले सके। जी इनका सवाल था कि प्रॉपर्टी जो है वाइफ के नाम जो है इन्होंने निकाह नामे में दे दी, और उसके बाद अब जो भी इनके मामला होते हैं घरेलू झगड़े जी, और वो क्लैश की वजह से वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी तरह से सेव कर सकता हूँ, डिवोर्स भी दे दूँ और वो प्रॉपर्टी भी रख लूँ। उमर साहब ने अपने उस सवाल में ये बताया था कि उन्होंने अपनी आज़ाद मर्जी से ये लिख के दिया है, और ये सबसे बड़ा एक हर्डल आएगा इनके लिए, क्योंकि अगर ये फ्री विल थी और इसमें कोई कोर्शन शामिल नहीं थी, कोई दबाव शामिल नहीं था, तो फिर एज ए राइट वो खातून बेनिफिट्स ऑफ मैरिज में वो एंटाइटल है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और जी इसी के साथ जो पहला क्वेश्चन हम एड्रेस कर रहे थे उसमें उनका क्वेश्चन ये भी था कि अगर वो अपने उनके हस्बैंड जो हैं वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं और वो आउट ऑफ स्टेशन जो है मूव करना चाह रहे हैं कंट्री, तो वो किस तरह उनको रोक सकती हैं कि वो मुल्क से बाहर ना जाएं, और किस तरह से उनको जो है कोई किसी भी किस्म की अगर वो उनको जो है थ्रेट करना चाह रही हैं कि क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स में उन्हें इंगेज करके थोड़ा सा उनको जो है वो अपना राइट शो कर सके, या इस तरह की ऑप्शन मौजूद है कि एक दफ़ा अगर केस शुरू हो जाता है और ये इंश्योर करा देती हैं कि हस्बैंड पाकिस्तान में है और इस वक्त मैटर जो है वो पेंडिंग है किसी सिविल कोर्ट में या कोई फैमिली मैटर पेंडिंग है, तो उसके बाद किसी तरह से कोई ECL वगैरह में नाम डलवाना चाहें कि जी मैटर पेंडिंग है जब तक ये डिसाइड नहीं होता, कैन नॉट गो बियॉन्ड आउटसाइड द लिमिट पाकिस्तान। ये एक बहुत बहुत लंबा डिबेटेबल बात, आपने ECL का लफ्ज ऐड कर दिया। खातून के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि ताज़ीरात पाकिस्तान में बाकायदा एक ऑफेंस है कि अगर उन्होंने परमिशन सीक नहीं की तो शी कैन गो फॉर दैट वेरी रेमेडी, और वहाँ जाके ये अपने राइट्स को अपना प्रोटेक्ट कर सकती हैं। सेकेंडली फॉर दैट इनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो सेकंड मैरिज के लिए जा चुके हैं। इनके अपने सवाल में एक थोड़ा सा क्यू था कि पहले शायद वो पेपर मैरिज थी, अगर वो पेपर मैरिज थी तो बेसिकली इट्स नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, तो इनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक और निकाह में जा चुके हैं, और अगर ऐसा डॉक्यूमेंट इनको मिल जाए तो फिर डेफिनेटली इनके पास लॉ में रेमेडी अवेलेबल है। जी बिल्कुल ठीक। यहाँ पे सदरुद्दीन साहब कराची से हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई है, सवाल तो इनका जवाब तो आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो है एम्प्लॉयज़ को किस तरह से डाउनसाइजिंग की जाती है, निकाल दिया जाता है। पाकिस्तान में फॉरेन कंट्रीज़ में इतना लॉ डेवलप हो चुका है, प्राइवेट सेक्टर में भी कोई किसी को वंस मतलब अगर रख लेते हैं उसके बाद किसी को भी फायर करना या किसी को भी निकाल देना इतना आसान नहीं है, बाकायदा तौर पे एक प्रोसेस दिया जाता है, अपने प्रोसेस से बाहर वो भी नहीं जाता। यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, जो है वो एग्रीमेंट भी इस तरह के बना दिए जाते हैं कि जब आप एम्प्लॉई होते हैं तो आप खुद साइन करके अपने हाथ बांध देते हैं कि जब भी दिल चाहेगा कंपनी मतलब हैज़ गॉट दिस पावर कि वो जब भी चाहे निकाल सकती है, और इस पर कोई भी मतलब उसका डिसीजन जो है इट वुड नॉट बी कॉल इन क्वेश्चन बाय इन एनी कोर्ट बिकॉज़ काम हो रहा है कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर को भी किसी तरह से रेगुलराइज किया जाए, इनको भी किसी तरह से जो है वो नकेल डाली जाए। देखिए बेसिकली उनके क्वेश्चन में एक कर्व था जिसमें वो ये कह रहे थे कि मुझसे जबरदस्ती उन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया है, और मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी हो सकती है कि अगर वो टर्मिनेशन को फेस करते तो आगे सब्सिक्वेंट जॉब इवेंट्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज हो जाते हैं। लेकिन अगर फोर्सिबल टर्मिनेशन है और उस पर कोई एविडेंस ये ले आए तो फिर इनके लिए रेमेडीज अवेलेबल हैं। दे कैन ही कैन गो एंड सू फॉर डैमेजेस, बिकॉज अगर कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है और
इनकी टर्मिनेशन की कोई रेलेवेंट वजह सामने ना आए तो फिर इनके लिए रेमेडीज अवेलेबल हैं कि ये कंपनी को सू कर सकते हैं। सेकेंडली इन्होंने एक लफ्ज कहा था कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिम हूँ, तो आई डाउट कि अगर ये मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिम है तो एक पूरा फॉर्मेट अवेलेबल है जिसमें रेजिग्नेशन टर्मिनेशन सर्विसेज का पूरा एक कैडर मेंशन होता है। अगर इन्होंने वो देखा है और उसमें ये प्रोविजंस अवेलेबल थी तो डेफिनेटली इनको वहाँ से भी सपोर्ट मिल सकती है कि इनके अपने जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या थे और इनके रखने हायरिंग और फायरिंग के क्या प्रोसीजर्स थे। जी यहाँ पे मेरा ख्याल अगर हम इनको ये कहें कि सदरुद्दीन साहब आप स्क्रीन पे दिए कि हमारा ईमेल जो है वो भी मौजूद है, अगर आप हमें हम बिल्कुल इसमें कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, इसको जो है वो कोशिश नहीं करेंगे कि इसको हम कोशिश करेंगे इसको रिलीज़ ना करें, इस बात को लीक आउट ना करें, आप हमें अगर ईमेल करके कंपनी का बता दें आप कहाँ पे मुलाजिम रहे, क्योंकि जो कंपनी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो उनके अपने बायलॉज हैं उनमें तो ज़रूर एक प्रोसेस लिखा होगा। जी तो अगर वहाँ से हम आपको वो सारी चीज़ें देख के कि इनका अपना प्रोसेस क्या था, क्या इन्होंने वो प्रोसेस भी फॉलो किया या नहीं किया और क्या उसके बगैर ही आपको फायर कर दिया। लेकिन आपके केस में जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आगा अबुल हसन आरिफ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने हमें बताया कि अगर आपसे फोर्सिबली जो है वो लिया गया है आपसे रेजिग्नेशन, तो ये एक वाहिद सूरत है कि आप के पास एक रेमेडी अवेलेबल है, आपके आप ये साबित कर सकते हैं कि मुझे फोर्सिबली जो है मुझसे रेजिग्नेशन लिया गया। वेरी ट्रू, दैट्स राइट। इसी के साथ मैं ये क्वेश्चन आपसे पुट करना चाहूंगी कि विजिटेशन प्लेसेस के बारे में, बिकॉज यू हैव वर्कड सो मच अबाउट चाइल्ड कस्टडी और अभी भी इसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स पे आप काम कर रहे हैं, तो विजिटेशन प्लेसेस के बारे में सर क्या कहेंगे? डू यू थिंक कि वो कंड्यूसिव हैं चिल्ड्रन के लिए, अगर वो जाते भी हैं, अगर मिलते हैं चंद घंटों के लिए अपने मां-बाप से, तो हाउ डू यू सी जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। प्रॉपर्टी मुख्तार आम के लिए बेचना चाहता है तो हमें पता चलना चाहिए कि इसकी कोई मुद्दत भी होती है या अनलिमिटेड है ये? जी बहुत थैंक यू मोहम्मद असलम, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी मैं बात करी थी विजिटेशन प्लेसेस के बारे में। जी बेसिकली मेरा ताल्लुक लाहौर से है जी, और लाहौर में इस वक्त 3 गार्डियन कोर्ट्स काम कर रही हैं जिस पर वर्कलोड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और कुछ अर्सा पहले ये कोर्ट्स चली गई थी एक दूसरे प्रेमिसेस में जो कंबाइंड प्रेमिसेस था सेशंस और सिविल का। जी बिल्कुल, तो उन हालात में क्रिमिनल लोगों के मौजूदगी में बच्चों का लाना और ख़ास तौर पे नाबालगान जिनके जहन बहुत ही कच्चे हैं और वो कड़ियों में और हथकड़ियों में लोग हैं और इतना ज़्यादा अजीब व गरीब सा माहौल है, लोग एक दूसरे पर लड़ रहे हैं, झपट रहे हैं, पुलिस है, वेपन्स हैं, तो हम लोगों ने बार के लेवल पर बहुत काम किया और गार्डियन कोर्ट्स वापस सिविल प्रेमिसेस में लाए। अब सिर्फ एक छोटा सा कमरा अवेलेबल है जहाँ पर रोज़ाना करीबन 100 से 150 बच्चे अपने वालदैन के साथ चंद घंटों की मुलाकात करते हैं। ना वहाँ पर पीने का पानी मौजूद है, ना वहाँ पर बैठने की जगह है, ना वहाँ पर हवादार कोई ऐसी जगह है। फिक्री आए जी। और okay, आगे से सर अभी एक और आखिरी कॉलर आज के लेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मुझे यूसुफ। जी अपना सवाल पूछिएगा प्लीज। हाँ मेरा सवाल है कि मेरा बेटे की शादी हुई है। जी जी हेलो। जी जी, जी सुन रहे हैं आप, बोलती रहे। मेरे बेटे की शादी हुई है तो उन्होंने ना लड़ाई ना झगड़ा कुछ है ना, उन्होंने वो है ना लेके चले गए बहू को। ठीक है। फिर हमने ना जगह जगह बातें करे, हमने हमारा पोता भी है जी जी। तो बाहर से हमने सुना है कि ये ना खुदा ले लेंगे, तो हम तो ना खुदा देना नहीं है, हम तो घर खराब नहीं करना चाहते, वो भेज ही नहीं रहे। अच्छा एक बात सिर्फ पूछना चाहूंगा कि निकाह नामे में जो आपने हक महर लिखा था क्या वो दे चुके हैं आप अपनी बहू को? आप अपनी टेलीविजन सेट की आवाज आहिस्ता कीजिएगा और मेरी बात का जवाब दीजिएगा कि जो निकाह नामे में हक महर लिखा था क्या आप अपनी बहू को दे चुकी हैं? आपके जो बेटे हैं वो दे चुके हैं? नहीं नहीं, क्या दे चुके? जो हक महर लिखा जाता है निकाह नामे में वो हमने दे दिए। जी बहुत शुक्रिया आपका सवाल। जी बहुत शुक्रिया मिसेज यूसुफ हमारे साथ।
जी मिसेज यूसुफ हमारे साथ मौजूद थी, इनका सवाल आपने सुना जी। इससे पहले जो है हमारे पास आखिरी चंद मिनट्स हैं, अगर हम जो है इनके सवाल को भी टेकअप कर सकें, और जो विजिटेशन राइट्स की बात करी थी प्लेसेस के ऊपर, हम वो भी कोशिश करेंगे। कोशिश करता हूँ, अगर आप मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपके केसेस में एक ही सूरत हाल बनती है कि आप इसमें जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है वो दावा कर सकती हैं कि आबाद नहीं हो रही हैं, हक महर भी दे रहे थे हम लोग इसका नान नुफका भी दे रहे थे, अदालत में जो है जानशुई का दावा भी इसे कहते हैं वो आप कर सकते हैं। वैसे इतनी ज़्यादा उसकी वक़्त इसलिए नहीं होती, अगर खातून खुला लेना चाहे कि मैं रहना ही नहीं चाहती तो खुला तो उसको मिल जाएगी उन केसेस में। जैसा यहां सिर्फ एक बात ऐड कर दूं कि अब एक अमेंडमेंट आ गई है, इनको अलहदा से उस दावे की भी जरूरत नहीं, खातून के खुला के दावा में जब ये अपना जवाब दावा फाइल करेंगे तो उसमें एक ग्राउंड वो ले सकते हैं रेस्टिट्यूशन की, इंडिपेंडेंट सूट करने की भी इन्हें जरूरत नहीं है। जी थैंक यू वेरी मच सर, आपके यहाँ पर टाइम निकाल कर आने का। कोई मैसेज जो है ब्रीफली अगर आप देना चाहें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? मेरा जी सब लोगों से एक यही मैसेज है कि अपने आप में अवेयरनेस पैदा कीजिए अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जितनी भी ज़्यादा जद्दोजहद आप कर सकें राइट डायरेक्शन में जद्दोजहद जारी रखें। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सब कॉलर्स का हम थैंक यू बोलना चाहेंगे जिन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में कॉल की, और जाते जाते ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा ऐसे कानून साजी की ज़रूरत है और ऐसे कवानीन को नफाज करने की ज़रूरत है जो कि इक्वालिटी पर बेस्ड हों और हम सबको यकसा तौर पर हमारे लिए मुफीद हों। और इसी के साथ जो है हम कंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम को। अनटिल नेक्स्ट वीक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंसाफ 24/7 विद इरम इरफान। अल्लाह हाफिज़।